शांति। आज की तारीख है 22/1/20 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे बाप का पार्ट एक्यूरेट है। हर एक एक्टर का अपना पार्ट होता है, तो बाप भी सृष्टि पर आते हैं तो उनका भी पार्ट एक्यूरेट है, वह भी अपने समय पर आते हैं। ऐसे नहीं कभी भी पर्दे के पीछे से स्टेज पर सामने आ जाए, नहीं। जब उनका समय स्टेज पर आने का होता है तब ही आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि। हाँ, शिवरात्रि आ रही है फरवरी में, तो शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। और अब की बार की शिवरात्रि हमारे कल्प के कितने जन्म ब्राह्मणों के 84, तो अब की बार शिवरात्रि भी 84वीं हम मनाएंगे, तो खूब धूमधाम से मनाओ। प्रश्न है, किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? उत्तर है, जिनका योग ठीक नहीं है, फिर बाप की जिनको याद नहीं रहती, तो फिर उनके विकर्म भी विनाश नहीं हो पाते। और योग युक्त न होने से इनकी सदगति भी नहीं होती, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही बातें फिर याद आती रहती हैं, तो वह देही अभिमानी रह नहीं सकते, तो टोटली फेल हो जाते हैं। गीत बजा है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक है, शिव जयंती पर, अभी शिव जयंती आएगी ना, तो क्या करना है वह भी बाबा बताते हैं कि शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान खोल, दुकान निकाल, सेवा करनी है। ज्ञान रत्नों की दुकान सबके आगे हम खोल के रखें, घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। सबकी ज्ञान की ज्योत बुझ गई है तो सभी को ज्ञान की रोशनी से बाप का परिचय देना है। नंबर दो, सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह न जाए, किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है। वरदान सतगुरु का सागर के तले में जाकर, एकदम गहराई नीचे जाकर अनुभव रूपी रत्न प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। स्पष्टीकरण, समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का नंबर वार नोट करते जाएं। समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता, जब जब योग करते हैं तो कोई ना कोई विशेषता का अनुभव आता है, फिर हर शक्ति का अलग अलग अनुभव आता, और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। अभ्यासी लगन में मगन रहने वाली
आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता। अगर निर्विघ्न रहना है तो हमें अभ्यास करना पड़े, लगन में मगन रहने का अभ्यास। इसलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ। प्रयोग करते ना तो उसी में खोए रहते हैं, तो बाबा कहते हैं उसकी प्रयोगशाला में बैठ जाओ। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रत्न प्राप्त कर समर्थ आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों को आवाहन करती है, इसीलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो। अव्यक्त स्थिति के लिए होमवर्क, बुद्धि रूपी पांव पृथ्वी पर न रहे। जैसे कहावत है कि फरिश्तों के पांव पृथ्वी पर नहीं होते, ऐसे बुद्धि इस देह रूपी पृथ्वी अर्थात प्रकृति की आकर्षण से परे रहे। प्रकृति को अधीन करने वाले बनो, न कि अधीन होने वाले। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।